हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो हमारे पैराग्राफ्स टू रहते हैं उनको कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ है हमारा, सो वन डे द न्यू गवर्नर वाज समंड टू द पैलेस। ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल एंड टू एवरीवन्स डिलाइट द फेमस आयरन चेस्ट वाज देयर फास्ट एंड securely behind him on the camel's back। इसलिए एक दिन गवर्नर, नए गवर्नर को जो कि एक गडरिया था, उसको महल में बुलाया गया। वह अपने ऊंट पर सवार होकर आया और हर व्यक्ति को यह देखकर प्रसन्नता हुई कि लोहे का प्रसिद्ध ट्रंक ऊंट की पीठ पर मजबूती से बंधा हुआ था। ये पैराग्राफ हम दोबारा कर लेते हैं। सो वन डे द न्यू गवर्नर वाज समन टू द पैलेस। ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल एंड टू एवरीवन्स डिलाइट The famous iron chest was there fastened securely behind him on the camel's back। इसलिए एक दिन नए गवर्नर को महल में बुलाया गया। वह अपने ऊंट पर सवार होकर आया और प्रत्येक व्यक्ति को यह देखकर खुशी हुई कि लोहे का प्रसिद्ध ट्रंक ऊंट की पीठ पर मजबूती से बंधा हुआ था। नाउ द किंग वॉज एंग्री, ही थंडर्ड, वाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विद यू, व्हाट डज इट कंटेन। अब राजा गुस्से में आ गया। वह गरज कर बोला, तुम सदा अपने साथ लोहे का वह ट्रंक क्यों रखते हो, इसमें क्या है। थंडर्ड होता है गरजना, एंग्री होता है गुस्सा होना। नाउ द किंग वॉज एंग्री, ही थंडर्ड, वाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विद यू, व्हाट डज इट कंटेन। अब राजा गुस्से में आ गया। वह गरज कर बोला, तुम सदा अपने साथ लोहे का वह ट्रंक क्यों रखते हो, आखिरकार उसमें ऐसा है क्या। नेक्स्ट है, द गवर्नर स्माइल्ड, ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग इन द चेस्ट। हाउ ईगरली द पीपल स्टैंडिंग अराउंड वेटेड फॉर द सेफर टू बी फाउंड आउट, बट हाउ ग्रेट वॉज देयर एस्टोनिशमेंट एंड इवन ऑफ द किंग हिमसेल्फ व्हेन द चेस्ट वॉज ओपन्ड। नो गोल्ड और सिल्वर और ज्वेल्स, बट एन ओल्ड ब्लैंकेट वॉज All that came out। Proudly the shepherd said, "This, my dear master, is my only treasure. I always carry it with me." गवर्नर मुस्कुराया। उसने अपने नौकर से ट्रंक लाने को कहा। आसपास खड़े लोग इतनी उत्सुकता से गडरिये का भांडा फूटने का इंतजार कर रहे थे, मगर उनकी ओर यहाँ तक कि राजा की हैरानी कितनी अधिक थी जब ट्रंक खोला गया। उसमें से कोई सोना चांदी या हीरे नहीं निकले, मगर केवल एक पुराना कंबल निकला।
गर्व से उसे उठाकर गडरिये ने कहा, प्रिय मालिक, यह मेरा एकमात्र खजाना है, मैं इसे हमेशा अपने साथ रखता हूँ। द गवर्नर स्माइल्ड, ही आस्क हिज सर्वेंट टू ब्रिंग इन द चेस्ट। हाउ एगरली द पीपल स्टैंडिंग अराउंड वेटेड फॉर द शेफर्ड टू बी फाउंड आउट। बट हाउ ग्रेट वॉज देयर एस्टोनिशमेंट एंड इवन ऑफ द किंग हिमसेल्फ व्हेन द चेस्ट वॉज ओपन्ड। नो गोल्ड और सिल्वर और ज्वेल्स बट एन ओल्ड ब्लैंकेट वॉज ऑल दैट केम आउट। होल्डिंग इट प्राउडली द शेफर्ड सैड, दिस माई डियर मास्टर इज माई ओनली ट्रेजर, आई ऑलवेज कैरी इट विद मी। गवर्नर मुस्कुराया, उसने अपने नौकर से ट्रंक को लाने के लिए कहा। आसपास खड़े लोग बहुत उत्सुकता से गडरिये का भांडा फूटने का इंतजार कर रहे थे, मगर उनकी ओर यहाँ तक कि राजा की हैरानी कितनी अधिक थी जब ट्रंक खोला गया। उसमें से कोई सोना चांदी या हीरे नहीं निकले, मगर केवल एक पुराना कंबल निकला। गर्व से उठाकर गडरिये ने कहा, प्रिय मालिक, यह मेरा एकमात्र खजाना है, मैं इसे सदा अपने पास रखता हूँ। ट्रेजर होता है खजाना। बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डनरी ब्लैंकेट विद यू? श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट, द किंग आस्क्ड। टू विच द शेफर्ड रिप्लाइड विद क्वाइट डिग्निटी, दिस ब्लैंकेट इज माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी इफ एट एनी टाइम योर मैजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लॉथ्स। मगर तुम अपने साथ इतना साधारण कंबल क्यों रखते हो? निसंदेह तुम जिले के गवर्नर हो, राजा ने पूछा। इस पर गडरिये ने शांत शांत से उत्तर दिया, यह कंबल मेरा सबसे पुराना मित्र है। अगर किसी समय महाराज आपने मेरी नई पोशाक वापस लेने का निर्णय किया तो यह मुझे सहारा देगा। But why do you carry such an ordinary blanket with you? Surely you are the governor of a district, the king asked. To which the shepherd replied with quiet dignity, this blanket is my oldest friend. It will still protect me if at any time your majesty should wish to take away my new clothes. मगर तुम अपने साथ इतना साधारण कंबल क्यों रखते हो? तुम एक जिले के गवर्नर हो, राजा ने पूछा। इस पर गडरिये ने शांत होकर जवाब दिया, यह कंबल मेरा सबसे पुराना मित्र है। अगर किसी समय महाराज आपने मेरी नई पोशाक वापस लेने का फैसला किया तो यह मुझे सहारा देगा। हाउ प्लीज द किंग वॉज, हाउ एम्बैरस्ड द जेलस गवर्नर्स बिकेम टू हियर द वाइस मैन्स रिप्लाई। How they knew that the shepherd was indeed the humblest and wisest man in the land, the king made him the governor of a much bigger district that very day. अकलमंद व्यक्ति का उत्तर सुनकर राजा कितना खुश हुआ और गवर्नर कितने लज्जित हुए। अब वे जान गए कि गडरिया सचमुच उस इलाके का सबसे बुद्धिमान अकलमंद व्यक्ति था। राजा ने उसी दिन अधिक बड़े जिले का उसे गवर्नर बना दिया। How pleased the king was, how embarrassed the jealous governor became to hear the wise man's reply. Now they knew that the shepherd was indeed the humblest and the wisest man in the land. The king made him the governor of a much bigger district that very day. अकलमंद व्यक्ति का उत्तर सुनकर राजा इतना खुश हुआ और गवर्नर बहुत लज्जित हो गए। अब वे जान गए थे कि गडरिया सचमुच में अकलमंद व्यक्ति था।
राजा ने उसी दिन गडरिये को अधिक बड़े जिले का गवर्नर बना दिया। आज हमारा लेसन कंप्लीट हो गया है, कल से हम वर्ड मीनिंग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ओके, हैव ए गुड डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।